सबसे पहले लोहे के ब्रश की सहायता से चैन को अच्छी तरह से साफ करें। दोस्तों, अगर आपके पास लोहे का ब्रश नहीं है तो आप बाइक की पुरानी क्लच वायर से लोहे का ब्रश बना सकते हो। चैन को क्लीन करने के बाद उसे ऑयल से अच्छी तरह से लुब्रिकेट करें। चैन को अच्छे से लुब्रिकेट करने के बाद 22 नंबर के पाने की सहायता से व्हील एक्सल का 22 नंबर का नट ढीला करें। फिर दूसरी साइड से 27 नंबर के पाने की सहायता से हाफ एक्सल का नट ढीला करें। फिर 10 नंबर की चाबी की सहायता से एडजस्टर बोल्ट को हल्का हल्का टाइट करें। चैन टाइट करते समय चैन को बीच बीच में चेक करें कि चैन कहीं से ज़्यादा टाइट तो नहीं। अगर जहाँ पे ज़्यादा टाइट हो तो वहाँ पर हल्का लूज कर दें। चैन टाइट करते समय आप आधी इंची से लेकर एक इंची तक अप डाउन यानी ऊपर नीचे की प्ले रखें। पहिए को सेंटर में रखने के लिए दर्शाई गई लाइनों को गिनें। फिर दूसरी साइड से पहिए को एडजस्ट करें और लाइनों को गिनें। दोनों साइड की लाइनें बराबर होनी चाहिए। फिर पहिया घुमाकर चेक करें कि चैन कहीं से ज़्यादा टाइट तो नहीं। फ्री प्ले चेक करने के बाद हाफ एक्सल के बोल्ट को टाइट करें। उसके बाद दूसरी साइड से 22 नंबर के नट को अच्छे से टाइट करें और पहिए को घुमाकर चेक करें कि पहिया कहीं से जाम तो नहीं चल रहा। अब बाइक की चैन टाइट हो चुकी है।